have been silent. Hello everyone, welcome to Sri Ram's IS YouTube channel. This is your mentor Arzu Kakkar, where daily we used to meet and have this session of news analysis. उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया हो, खुश हो, स्वस्थ हो और दिवाली की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं. आई विश एवरीबडी अ वेरी हैप्पी दिवाली एंड अ सेफ दिवाली, अ प्रॉस्परस दिवाली. जो भी आप जीवन में कर रहे हो, जो जिस मुकाम पर जाना चाहते हो, सो वो डेफिनेटली मेहनत करो, होगा. एंड आई होप दैट दिस दिवाली ब्रिंग्स लाइट्स ऑफ सक्सेस इन योर लाइफ, राइट. सो जो देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट हमने कल भी किया था, सेफ दिवाली हो, एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो, आप खुद भी और अपने आसपास वालों को भी अवेयर करें कि लेट्स नॉट बर्न क्रैकर्स. लेट अस आई थिंक लाइट द लैम्प्स ऑफ पीस, कंपैशन, है ना, हार्मनी. इतना कुछ हम अपने आसपास देखते हैं. सो आई विश दैट दिस दिवाली टेक्स अवे द डार्कनेस एंड you all light the lamps of peace, compassion and harmony in your homes, in your nearby surroundings, everywhere. इसी के साथ, इसी खुशी के साथ आज का लेक्चर शुरू करते हैं. एंड दीज आर द आर्टिकल्स दैट वी हैव टू कवर. सो बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, मेंस के लिए भी, प्रिलिम्स के लिए भी इक्वली रेलिवेंट हैं. सो वील टेक इट वन बाय वन इन डिटेल वट एवर वी हैव टू कवर. मैं पहले आपको एक ब्रीफ बता देती हूं कि हमें क्या क्या कवर करना है. QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग सबने, मतलब एवरीबडी इज अवेयर ऑफ. जिन्हें नहीं पता है, डोंट वरी, पहले हम इस रैंकिंग की बात करेंगे. ये आपके प्रिलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और GS पेपर 2, एडुकेशन, ह्यूमन रिसोर्स, गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या है इस डायरेक्शन में, वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे. सो QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2024, ये रैंकिंग कौन लाता है, कि कौन रिलीज करता है, कितनी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, कैसे इवैल्यूएट करी जाती है रैंकिंग्स, ये सारी चीज़ें, क्या मेथडोलॉजी है. सो विल टेक इट अप इन डिटेल. देन यू हैव एक्सरसाइज कॉर्पोरेट एंड बोंगोसागर. तो ये कौन से दो देशों के बीच की एक्सरसाइज है, क्या ये नेवी एक्सरसाइज है, एंड कब हुई, कहाँ कंडक्ट हुई. तो प्रिलिम्स के लिए मोर स्पेसिफिकली ये इंपॉर्टेंट है. देन यू हैव नेशनल एडुकेशन डे, प्रिलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, कब होता है, किस दिन होता है, एंड एवरी थिंग अराउंड इट, जो भी इससे एसोसिएटेड होगा वो हम कवर कर लेंगे. एंड देन यू हैव कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स. तो ये इंडेक्स कैसा है ये देखेंगे. एंड इस इंडेक्स की काफ़ी और बातें हैं. GS पेपर 1, अच्छा ये ना इंपॉर्टेंट भी है, ये GS पेपर 1, GS पेपर 2, GS पेपर 3, आप कहोगे सभी से लिंक करता है. यस, आप इसको प्रिलिम्स के लिए भी कंसीडर कर सकते हो. ये वाटर रिसोर्सेज में भी काम आएगा और ये आपका इश्यूज दैट आर रिलेटेड टू डेवलपमेंट, उसमें भी काम आएगा. कंजर्वेशन की हम बात करते हैं, उसमें भी काम आएगा. गवर्नेंस में भी काम आएगा, इरिगेशन में भी काम आएगा. सो ये बातें इंपॉर्टेंट हैं. अच्छा, एक आर्टिकल और हम कवर करेंगे, वो यहाँ पर मेंशन नहीं है, बट विल टॉक अबाउट सर्टेन रेगुलेशंस, UGC की रेगुलेशंस फॉर फॉरेन यूनिवर्सिटीज इन इंडिया. तो ये एक और आर्टिकल है, जब हम आगे बढ़ेंगे तो आएगा. मैंने आपको इंडेक्स में अभी यह मेंशन नहीं है बट बता दिया है, ये आपके GS पेपर 2 से लिंक करता है एडुकेशन सेक्टर से. वही सेम है ना, ये दोनों कनेक्टेड हो गए, एक तरफ रैंकिंग और एक तरफ हम फॉरेन यूनिवर्सिटीज की बात करेंगे, क्या रेगुलेशंस हैं दैट पेव द वे कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज हैं, दे कैन एंड टू सो दैट दे एस्टेब्लिश ब्रांच कैंपसेज इन इंडिया. क्या मूव है, क्या विजन है, क्या इनिशिएटिव्स हैं और क्या रेगुलेशंस हैं, वो सारी डिस्कशन होगी. तो विदाउट डाउट, अभी तो कोई होगा भी नहीं डाउट, आई एम स्टार्टिंग द लेक्चर. इफ एनी डाउट कोई भी लेक्चर के रिगार्डिंग होता है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. ओके, रिसेंटली ग्लोबल हायर एडुकेशन थिंक टैंक क्वेकरली साइमंस हैज रिलीज्ड QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स एशिया 2024, including 148 universities from India in the comprehensive list of 856 universities across
एशिया। सिंपल सी बात ये है, नो हार्ड रॉकेट साइंस की एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, क्वाकरली साइमंड्स नाम है, जो फोकस करते हैं ऑन हायर एजुकेशन। देव जस्ट पब्लिश्ड अ लिस्ट ऑफ दिस रैंकिंग, क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग। इस लिस्ट के अंदर जो भी एशिया बेस्ड, बेसिकली दिस लिस्ट इवैल्यूएट्स एंड रैंक द यूनिवर्सिटीज इन एशिया बेस्ड ऑन वेरियस फैक्टर्स। तो इस लिस्ट के अंदर इस रैंकिंग में 148 यूनिवर्सिटीज इंडिया की थी। अच्छी बात भी है, 148 यूनिवर्सिटीज दे आर इंक्लूडेड इन दिस पर्टिकुलर लिस्ट फ्रॉम इंडिया, अमंग अ टोटल ऑफ 856 यूनिवर्सिटीज फ्रॉम अक्रॉस एशिया। बेसिकली देखो, ये एक तरीका है टू अंडरस्टैंड, टू कंपेयर द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की अलग अलग यूनिवर्सिटीज में अक्रॉस द कॉन्टिनेंट किस तरीके से रिसर्च होती है, क्या एजुकेशन है उस बेसिस पे। इट्स अ वे टू अंडरस्टैंड, राइट? यू कंपेयर द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, जहां पर किस इंडिकेटर में अगर कम आ रहे हैं तो आप इम्प्रूव कर सकते हो। पॉजिटिव साइड तो यही है, राइट? सो लेट्स लेट्स लुक एट इट एंड लेट्स फिगर इट आउट। QS World University Rankings are released annually, हर साल by Quakerly Simons, ठीक है? ये ranking evaluate करती है the quality of universities and the performance of universities, जैसे कि they look at different things, various indicators are there, their methodology, वो मैं बात यहाँ पे कर ही रही हूँ। The methodology considers indicators like academic reputation, faculty-student ratio, employer reputation, sustainability, ये सारी बातें basically ये है। दे लुक एट डिफरेंट थिंग्स, हाउ वेल नोन अ यूनिवर्सिटी इज, एकेडमिक रेपुटेशन हो गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर टीचर कितने हैं, वट एम्प्लॉयर्स थिंक ऑफ ग्रेजुएट्स फ्रॉम दैट यूनिवर्सिटी, कितनी रिसर्च हो रही है, एंड मेनी मोर। सो बहुत से इंडिकेटर्स हो गए। सो दे यूज अ बंच ऑफ फैक्टर्स, एकेडमिक रेपुटेशन, फैकल्टी स्टूडेंट रेशो, वट एम्प्लॉयर्स थिंक्स ऑफ द ग्रेजुएट्स, एम्प्लॉयमेंट आउटकम्स मतलब हाउ वेल ग्रेजुएट गेट जॉब्स, इंटरनेशनल रिसर्च कनेक्शंस, साइटेशंस पर फैकल्टी मतलब हाउ मच द यूनिवर्सिटीज रिसर्च इज रेफर टू, हाउ मेनी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी मेंबर्स आर देयर। तो ये सारी मेथोडोलॉजी है। उस बेसिस पे देयर इज नॉट जस्ट वन लिस्ट, दे हैव रैंकिंग्स फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स, रीजन, स्टूडेंट सिटीज, बिजनेस स्कूल्स, इवन फॉर हाउ एनवायरमेंट फ्रेंडली यूनिवर्सिटीज, सस्टेनेबिलिटी भी हो गया। सो इट प्रोवाइड्स रैंकिंग लाइक दिस एंड दीज आर द इंडिकेटर्स। नाउ व्हाट इज द हाईलाइट, है ना? तो यहां पर टॉप यूनिवर्सिटीज जो एशिया के अंदर है, चाइना की पेकिंग यूनिवर्सिटी इज एट द वेरी टॉप ऑफ द लिस्ट, फॉलोड बाय यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग एंड देन नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। सॉर्टेड है, टॉप यूनिवर्सिटीज हो गई। अब बात करते हैं इंडियन यूनिवर्सिटीज की परफॉर्मेंस की, जिसमें IIT बॉम्बे ने टॉप रैंकिंग ली है इंडिया की एंड इज रैंक्ड 40th स्पॉट इन ऑल ऑफ द एशिया। 7 इंडियन इंस्टीट्यूट्स आर इन द टॉप 100। इंडिया के जो 7 इंडियन इंस्टीट्यूट्स हैं, जिसमें से 5 तो IITs हैं, वेल नोन फॉर देयर टेक्निकल एजुकेशन। उसके बाद यू हैव इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बैंगलोर, दिल्ली यूनिवर्सिटी, सो दे आर ऑल्सो इन दिस पर्टिकुलर प्रेस्टिजियस ग्रुप, ठीक है? नाउ द फैक्ट दैट दीज इंडियन यूनिवर्सिटीज, स्पेशली हम देख रहे हैं IITs, दे आर कंसिस्टेंटली मेंटेनिंग इट टू द टॉप रैंक्स इन एशिया, ये क्या दर्शा रहा है? ये दर्शा रहा है द इम्प्रूवमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, द ग्रोथ ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया। ये दर्शा रहा है कि ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, दे आर कंट्रीब्यूटिंग सिग्निफिकेंटली टू ग्लोबल रिसर्च, दे आर गेनिंग रिकॉग्निशन ऑन द इंटरनेशनल स्टेज, राइट? सो दिस इज वॉट इट इज रिफ्लेक्टिंग। नाउ देर आर सर्टेन अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। So in this latest ranking, India has more universities featured into it than China. हालांकि top university में China की है, but still India की university ज़्यादा है overall. So previous year के comparison में देखा जाए तो there is a change. With India gaining, अभी आप 37 new entries हो गई हैं. China only added 7 new universities to the list. So ये बहुत important है. India में हर साल होती है ये ranking. तो इस बार India की 37 new entries हुई हैं and China की only 7 new entries हुई हैं. तो India की strength है. India is doing well in terms of research output. Universities are producing a significant amount of research. Teaching staff जो है Indian universities में, they are highly qualified. Many have earned PhDs. रिसर्च आउटपुट, हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी मेंबर्स विद PhDs। लेकिन चैलेंज भी है,
India is not scoring as high in terms of reputation, both in academic circles and employer reputation. Reputation wise, India falls below the average for the region. तो ये एक concern है, ये एक challenge है. So India overall research output growth की बात करूं अगर मैं, just a second. हाँ, so यहां पर अगर मैं बात करूं research output growth, तो India has shown impressive growth in research output. 60% increase from 2018 to 2022. India's research output has increased significantly. अगर UPSC पूछे तो कहना बिल्कुल. India is progressing, but the gap in research output between India and China is narrowing. The gap, right? India is catching up. ये दिखा रहा है, showing that both the countries are making significant strides in producing valuable research. Still, there is room for improvement in terms of reputation. Research के मामले में India is growing rapidly. जहां जहां इंप्रूवमेंट है रेपुटेशन की वो हम कर लेंगे. इट्स स्टिल वर्किंग टू क्लोज टू क्लोज द गैप विद चाइना इन दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ रिसर्च. अच्छा, यूजीसी के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं डिस्कस साथ में. फैक्ट्स हो जाएंगे कवर अगले आर्टिकल में, क्योंकि यूजीसी यहां है. Universities Grants Commission has recently released regulations that pave the way for foreign universities ranked among the world's top 500 to establish branch campuses in India. Simple सी बात है, कोई rocket science नहीं है इसमें भी. बहुत ही interesting topics हैं, I would say. GS Paper 2 के education sector से आप इसको link भी कर सकते हो, prelims के लिए भी link कर सकते हो, mains का तो मैंने बता ही दिया है. यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के बारे में सबने सुना है, जिसने नहीं सुना है तो वो आज सुन लेंगे. इसके बारे में भी हम पढ़ ही लेंगे यूजीसी के बारे में. द हेड ऑफिस ऑफ यूजीसी इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली, सबको पता ही है. एंड इट रेगुलेट्स द रिकॉग्निशन ऑफ फेक यूनिवर्सिटीज, डीम टू बी यूनिवर्सिटीज, ओवरऑल यूनिवर्सिटी एजुकेशन की पूरे स्टैंडर्ड जो है मेंटेन करना. सो यूजीसी के अंदर है. यूजीसी इन इंडिया हैज इंट्रोड्यूस न्यू रूल्स. वो रूल्स हैं जो पॉसिबल करते हैं फॉरेन यूनिवर्सिटीज के लिए, स्पेशली दोज रैंक्ड अमंग द टॉप 500 ग्लोबली, कि आइए इंडिया में ब्रांच कैंपसेस सेट कीजिए. अब वहां पर कुछ रेगुलेशंस भी हैं. सो दिस मूव अलाइंस विद द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020. ये सब क्या है, सबको पता ही है. द गाइडलाइंस वर नोटिफाइड आफ्टर द ड्राफ्ट नॉर्म्स अनाउंस बाय द यूजीसी फॉर फॉरेन यूनिवर्सिटीज वर मेड पब्लिक फॉर द फीडबैक. तो ओवरऑल एजेंडा पता चल गया, फॉरेन यूनिवर्सिटीज को कहना है जो भी टॉप 500 की है, यू कैन सेट अप योर ब्रांच कैंपसेस इन इंडिया एज वेल. सो व्हाट आर द एस्पेक्ट्स ऑफ दीज रेगुलेशंस? कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव, दो या दो से ज्यादा फॉरेन यूनिवर्सिटीज जो हैं वो टीम अप करें, दे वांट वर्क टुगेदर टू क्रिएट कैंपस इन इंडिया. हर एक फॉरेन यूनिवर्सिटी को दे मस्ट मीट सर्टेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑल्सो ऑन देयर ओन. देन देयर इज अ पॉइंट फॉर मल्टीपल कैंपसेस ऑल्सो. ईच फॉरेन यूनिवर्सिटी इज अलाउड कि आओ यू कैन एस्टैब्लिश मोर देन वन कैंपस इन इंडिया. इसका मतलब एक सिंगल फॉरेन यूनिवर्सिटी के मल्टीपल ब्रांचेस हो सकते हैं इन डिफरेंट लोकेशंस अक्रॉस द कंट्री. और ये पर्पस, ये मूव जो है, इट अलाइंस विद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जिसका एम क्या है, टू क्रिएट अ फ्रेमवर्क टू फैसिलिटेट द एंट्री ऑफ टॉप ग्लोबल यूनिवर्सिटीज इन टू इंडिया, राइट? सो In simple terms, you're setting up campuses in India, you're contributing towards collaborative educational initiatives, जो कि हमारे इंडिया के नेशनल एजुकेशन विजन के साथ अलाइन करते हैं. Then what else? Other different regulations, faculty engagement requirements and application process. जो भी international faculty होगी, that will international faculty hired for Indian campuses, they must commit to stay in the country for at least one semester. एक semester के लिए उनको रहना पड़ेगा. This ensures कि ये faculty members actively contribute करें to the academic environment, right? Over an extended period. Then comes your application process. See, the time taken for the committee, the standing committee to process the application, वो increase हुआ है from 45 days to 60 days. So see, the committee's recommendation must be presented to the UGC within 60 days time frame. Then what about ki koi autonomy foreign universities ko? Yes, foreign universities have the freedom to decide their own admission process. Unka kya fee structure hoga for the Indian campuses? Unko autonomy hai. Unko ye bhi allow kiya gaya hai.
मतलब अगर टू रिपैट्रिएट फंड्स, रिपैट्रिएट फंड्स का मतलब यू कैन सेंड मनी बैक टू योर मेन कैंपस एज वेन नीडेड ऑल्सो, राइट. रिस्ट्रिक्शंस ऑन ऑपरेशंस, फॉरेन यूनिवर्सिटीज को ये एक है दैट दे आर नॉट अलाउड टू ओपन लर्निंग सेंटर्स, स्टडी सेंटर्स और फ्रेंचाइजेज दैट एक्ट एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस विदाउट प्रायर अप्रूवल फ्रॉम द कमीशन. तो कोई भी न्यू अकेडमिक प्रोग्राम्स, एनी न्यू अकेडमिक प्रोग्राम्स इनिशिएटेड ऑन देयर इंडियन कैंपसेस मस्ट रिसीव अप्रूवल. अप्रूवल इज मैंडेटरी बिफोर इनिशिएटिंग एनी न्यू प्रोग्राम ऑन देयर इंडियन कैंपस. नाउ व्हाट अबाउट ऑनलाइन लर्निंग कॉन्स्ट्रेंट्स, इज देयर एनी? यस, प्रोग्राम्स कैन नॉट बी एंटायरली ऑफर्ड ऑनलाइन और ओपन डिस्टेंस लर्निंग नहीं होगी. कुछ ऑनलाइन लेक्चर्स आर अलाउड, दे शुड, बट दे शुड नॉट मेक अप मोर देन 10% ऑफ द प्रोग्राम रिक्वायरमेंट्स. देन फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन, फॉरेन यूनिवर्सिटीज आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे एनुअल फीस टू द UGC ऑन एन ऑन गोइंग बेसिस, दे पे अ वन टाइम एप्लीकेशन फी. जो फंड होगा फॉर एस्टैब्लिशिंग द कैंपसेस कहाँ से आएगा? फ्रॉम द रिसोर्सेज, they should come from the resources, infrastructure and the land that is owned by the foreign universities themselves. Foreign universities are encouraged to offer scholarships, fee concessions to Indian students based on their merit, based on their financial need, right? So, मतलब partial course हो गई for tuition, ये बातें. अब रही बात UGC की. UGC was created on 28th of December 1953. 1956 के अंदर इट बिकेम अ स्टैट्यूटरी बॉडी बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन 1956, मतलब एक लीगल रिकॉग्निशन अथॉरिटी. मेन जॉब क्या है? टीचिंग, एग्जाम्स, रिसर्च इन यूनिवर्सिटी, एजुकेशन. तो मेक श्योर दैट यू कोऑर्डिनेट, यू डिटरमाइन एंड यू मेंटेन स्टैंडर्ड्स फॉर ऑल दीज थिंग्स, राइट. तो इसका अथॉरिटी बेसिकली, इट हैज दिस अथॉरिटी टू रेगुलेट, टू ओवरसी द एस्पेक्ट्स ऑफ हायर एजुकेशन. और इसका हेड ऑफिस कहाँ है? दिल्ली के अंदर है. ये तो बहुत सिंपल सी बातें थी, स्ट्रेट फॉरवर्ड. आई होप क्लियर हो गई हो. किसी को कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन. सिंपल थी, है ना? कोई दिक्कत यहाँ तक तो पूछ लेना. देखो, डोंट शाय कि पूछे नहीं पूछे, डू आस्क. अब हमने अभी इंडिया की रैंकिंग पढ़ी QS में, इस पर्टिकुलर QS रैंकिंग के अंदर इंडिया के जो कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, उनकी रैंकिंग पढ़ी. अभी हम ये भी देख रहे हैं कि इंडिया क्या कर रहा है, ये रेगुलेशंस लाया ताकि फॉरेन यूनिवर्सिटीज अपने ब्रांच सेटअप करें. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के साथ विजन ये अलाइन करता है इस विजन के साथ. देखो, इंडिया के इनिशिएटिव्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं जो आपको पढ़ने चाहिए, दैट आर रिलेटेड टू एजुकेशन एंड रिसर्च, पता होना चाहिए. जैसे कि IOE स्कीम बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहती है, इंडियन इंस्टीट्यूशंस ऑफ एमिनेंस स्कीम. ये किस लिए है ये आपको पता होना चाहिए, थोड़ा पढ़ना इसके बारे में. मैं आपको बता रही हूँ कुछ स्कीम, जैसे इम्प्रिंट स्कीम, वो भी एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड है. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी तो अपनी है ही, उच्चतर आविष्कार योजना, ये सारे इनिशिएटिव्स हैं दैट आर रिलेटेड टू एजुकेशन एंड रिसर्च. प्रिलिम्स में UPSC कहीं ना कहीं से कोई स्टेटमेंट बेस्ड सवाल डाल सकती है, मेंस में यहाँ से एक अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं. एज इन आप ये कंटेंट यूज कर सकते हो अपने आंसर्स में. व्हेन यू आर राइटिंग एन आंसर, सब्जी होती है ना, सब्जी पे धनिया डलता है बस. और फिर धनिया बहुत इंपॉर्टेंट है सब्जी में, वो सब्जी की वैल्यू, उसकी सुंदरता, ब्यूटी पूरी बाहर आ जाती है सब्जी की. इतना सुंदर सब्जी दिखने लगती है, आपका आंसर भी उतना ही वेल मेंटेन्ड, स्ट्रक्चर्ड, प्रॉपर लगेगा जब ये छोटी छोटी चीजें आप उसमें ऐड करते जाओगे. ठीक है, देन यू हैव द अदर आर्टिकल. रिसेंटली एक्सरसाइज कॉर्पेट एंड बोंगो सागर बिटवीन द इंडियन नेवी एंड बांग्लादेश नेवी वर कंडक्टेड इन द नॉर्दर्न बे ऑफ बंगाल फ्रॉम 7th to 9th of November. तो बेसिकली ये एक बाइलेटरल नेवल एक्सरसाइज है जिसका 5th edition इसका कॉर्पोरेट एक्सरसाइज का, 4th edition बोंगो सागर का कंडक्ट हुआ. और ये इंडिया और बांग्लादेश के बीच की, एक तरफ इंडियन नेवी शिप्स और एक तरफ बांग्लादेश की नेवी शिप्स. ठीक है, क्लियर है? सो दिस कॉर्पोरेट 23 इंक्लूडेड अ यूनिक एस्पेक्ट, दैट वॉज द फर्स्ट एवर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ ड्रिल्स
conducted between these two navies. This involved practicing research and rescue scenario at sea, मतलब demonstrating the ability to respond to disasters. So ये आपको पता होना चाहिए. और रही बात जो इंडियन नेवी ships participated, किल्तन एंड कुथर, ठीक है. नेशनल एडुकेशन डे कब होता है, क्यों होता है, ये सारी बातें कर लेते हैं. प्रीलिम्स के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है. तो नेशनल एडुकेशन डे हर साल 11 नवंबर को अक्रॉस इंडिया सेलिब्रेट किया जाता है टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मौलाना अब्दुल कलाम. 11 नवंबर को हर साल 2008 में ये शुरू हुआ था. फर्स्ट इंडियाज फर्स्ट एडुकेशन मिनिस्टर मौलाना अबुल कलाम आजाद. 11th of November 1888 ही वॉज बॉर्न. He was a scholar, educationist, freedom fighter, senior leader in the Indian National Congress. So, National Education Day is basically to highlight the importance of education, its positive impact on the development and well-being of the nation. It serves as a reminder of Maulana Abul Kalam Azad's contributions to education in India. Theme is Barki, embracing innovation. So, it highlights individuals about the importance. Bahut zaruri hai education. थोड़ा सा पढ़ लेते हैं अबाउट हिम. सो ही बिकेम द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1923 एट द एज ऑफ 35. ही वॉज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ महात्मा गांधी नॉन वायलेंस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, अ पीसफुल वे ऑफ प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट अनफेयर लॉस. आफ्टर इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस ही बिकेम द फर्स्ट एडुकेशन मिनिस्टर एंड हेल्ड दिस पोजिशन फ्रॉम 1947 टू 1958. जो आज IITs हैं, UGC, हमने बात करी है, ही प्लेड अ वेरी क्रूशियल रोल इन क्रिएटिंग दीज इंपॉर्टेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. इवन दो ही हैड पास्ड अवे, ही वाज ऑनर्ड विद इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न इन 1992 पॉस्थिमसली, ठीक है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वील टॉक अबाउट कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स. जैसे मैंने बताया GS पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 हर एस्पेक्ट से ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है. चलिए, ये इंडेक्स जो है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल इन इंडिया. इट इज यूज्ड टू मेजर कि हाउ वेल अलग अलग स्टेट्स आर मैनेजिंग वाटर. इट हेल्प्स टू असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस. सवाल ये है कि देर आर रीसेंट डेवलपमेंट्स दैट हैव रेज्ड क्वेश्चंस अबाउट द फ्यूचर ऑफ दिस इंडेक्स, कि वेदर इट विल कंटिन्यू टू बी यूज और इफ देर माइट बी चेंजेस अहेड. तो यहां पर रीसेंट डेवलपमेंट्स हैव लेड टू क्वेश्चन एंड डाउट्स रिगार्डिंग इट्स कंटिन्यूड यूज और पोटेंशियल चैलेंजेस. हम थोड़ा सा इस इंडेक्स के बारे में पढ़ते हैं. कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स. Tool launched by Niti Aayog to provide annual snapshot of water sector status and water management performance of states and UTs in India. Simple सी बात है कि overview of water sector status, कि how well different states and UTs in India कैसे water resources को manage कर रहे हैं. 2018 में नीति आयोग ने पहली बार इसको लॉन्च किया था. पहला एडिशन फोकस करता था ऑन फर्स्ट एडिशन फोकस ऑन इंडियाज वाटर चैलेंजेस, evaluating the states based on 28 parameters using data from the years 2015-2016 and 2016-2017. Second edition 2019 mein launch hua and it was for 2017-18. So this report is a result of collaboration between Niti Aayog aur teen ministries hai. Bahut important hai ye. Water resources, drinking water and sanitation and rural development. अब यहां पर द इंडेक्स इज स्ट्रक्चर्ड अराउंड 9 मेन थीम्स. एवरी इंडेक्स, एवरी थीम कैरीज अ सर्टेन वेट इन द ओवरऑल असेसमेंट. जैसे सोर्स ऑग्यूमेंटेशन एंड रिस्टोरेशन ऑफ वाटर बॉडीज, स्टोर सोर्स ऑग्यूमेंटेशन, मेजर एंड मीडियम इरिगेशन, वाटरशेड डेवलपमेंट, रूरल ड्रिंकिंग वाटर, अर्बन वाटर सप्लाई, पॉलिसी एंड गवर्नेंस, पार्टिसिपेटरी इरिगेशन प्रैक्टिसेस. सो जैसे सोर्स ऑग्यूमेंटेशन, इट फोकस्ड ऑन इंक्रीजिंग एंड प्रिजर्विंग वाटर सोर्सेज. मेजर एंड मीडियम इरिगेशन फोकस करता है ऑन हाउ वेल स्टेट्स मैनेज इरिगेशन सिस्टम्स लार्ज एंड मीडियम स्केल टू इंश्योर एडवोकेट वाटर सप्लाई.
Rural drinking water examines the effectiveness of providing clean and safe drinking water in rural areas. So, हर एक थीम में देर इज अ स्पेसिफिक इंडिकेटर और मेजर्स दैट आर यूज टू असेस द परफॉर्मेंस ऑफ दीज स्टेट्स एंड यूटीज. नीति आयोग हैज स्टेटेड दैट डीले इन द दो राउंड हो गए थे, थर्ड एंड फोर्थ राउंड ऑफ इंडेक्स में डीले हुआ क्योंकि COVID-19 की वजह से. नाउ टू एड्रेस द डीले कॉज बाय द पैंडेमिक नीति आयोग हैज कंसिडर्ड कंबाइनिंग द थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स राउंड. ये कंबाइंड असेसमेंट विल कवर द ईयर्स 2021, 2022 एंड 2022-2023. ठीक है, ये था आज का सेशन. उम्मीद करती हूँ आपको क्लियर हो गई होंगी एवरीथिंग. आओ देन आई विल मीट यू ऑन मंडे. दिवाली है, अच्छे से सेलिब्रेट करें, एक दिन है, रिलैक्स रहें. थोड़ा टाइम मिले अगर निकाल सकते हो, आई थिंक येस फेयर एनफ, तो आप 4-5 घंटे जो भी है इनिशियल आवर्स टेक इट आउट, डू रिवाइज, डोंट डू एनीथिंग न्यू एंड एन्जॉय द फेस्टिवल. दिस इज योर मेंटर आरसू कक्कड़ साइनिंग ऑफ फॉर टुडे. डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन कि आपको ये लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं. थैंक यू, विश एवरीबडी अ वेरी बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, गुड लक, गुड विशेस, ऑल द बेस्ट.